सबसे पहले बड़ी खबर यह कि डोनेट्स में यूक्रेन ने बम वर्षा की है। रूसी मोर्टार गोदाम पर हमला हुआ और धमाके से धधक उठा मोर्टार गोदाम। रूस का गोला बारूद तबाह कर दिया गया। ये देखिए, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। रूस का गोला बारूद तबाह कर दिया गया है। रूसी सैन्य ठिकाने पर यह बड़ा हमला हुआ है और धमाके से कैसे धधक उठा मोर्टार गोदाम। इस गोदाम में मोर्टार रखे हुए थे और यहां पर यूक्रेन ने किया है सटीक हमला। एक और अहम खबर है, खेरसोन में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। रूस ने यूक्रेनी ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया। नीपर नदी के किनारे यूक्रेनी ठिकानों पर अटैक किया गया है। रूसी हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। और अगली बड़ी खबर है, परमाणु परीक्षण की तैयारी में है व्लादिमीर पुतिन। पश्चिम में डराने के लिए एटमी टेस्ट भी कर सकते हैं पुतिन। पश्चिमी मीडिया का बहुत बड़ा दावा, आर्कटिक महासागर में परमाणु परीक्षण की तैयारी चल रही है। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या अब परमाणु बम फोड़ेंगे पुतिन। देखिए, इसके बारे में जल्दी से आपको बिग बॉल पर सारी डिटेल्स दे देते हैं कि अभी तक तो सिर्फ धमकियां मिल रही थी, लेकिन क्या अब हकीकत में परमाणु हमला करेगा रूस। पश्चिमी मीडिया का दावा है, दावा क्या है कि बहुत जल्द परमाणु परीक्षण कर सकते हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस को लेकर के ये बड़ा दावा किया गया पश्चिमी मीडिया की ओर से। और आर्कटिक महासागर में परीक्षण की तैयारी हो चुकी है ये भी कहा जा रहा है। ऐसी भी खबरें पश्चिमी मीडिया में चल रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि सैटेलाइट तस्वीरों से पुतिन के प्लान पर बड़ा खुलासा हुआ है। पश्चिमी मीडिया के हाथ कुछ सैटेलाइट इमेज लगे हैं जिसके आधार पर यह बड़ा दावा किया जा रहा है। साइट पर अचानक रूस की जो एक्टिविटी है, गतिविधियां है, वो तेज हो गई है, बढ़ने लगी हैं और इसलिए अब परमाणु हमले का डर सताने लगा है। अगस्त में रक्षा मंत्री सर्गेई ने भी साइट का दौरा किया और कहा यह जा रहा है कि कहीं इस दौरे के बाद कोई बड़ी प्लानिंग तो नहीं हो रही है। पुतिन को परमाणु अनुसंधान केंद्र ने परीक्षण की सलाह दी है और उसके बाद ही यह परमाणु परीक्षण किया गया है। पश्चिमी देशों को डराने के लिए परमाणु परीक्षण जरूरी है, ये भी कहना है व्लादिमीर पुतिन का। और ऐसी धमकियां भी लगातार दी जा रही हैं।